सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान राग देव जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन हित काज सब आज भाई कर जोड़े बारे मारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। द्रोणगिरी प्रशिक्षण शिविर में 2 दिन लग गए और अपनी यहाँ जो पिछली चर्चा चल रही थी वो पाठमालाएँ पूर्ण करने के उपरांत हमने एक एक पाठ लेना यहाँ प्रारंभ किया था, जिसमें बड़ा विनय पाठ हुआ, आलोचना पाठ भी पहले हो चुका था और शांति पाठ, छोटा शांति पाठ, बड़ा शांति पाठ, इसके अतिरिक्त हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ऐसी छोटी छोटी सी हमने बहुत सारी बातें की है और आज एक छोटा विनय पाठ है। यह भी बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि हमने कहीं बाहर भी देखा है, शायद नैरोबी में या कहीं वहाँ की पुस्तकों में भी हमने इस विनय पाठ को देखा है और यहाँ तो अपने बहुत अधिक प्रसिद्ध है ही, चलता ही है। बहुत छोटा है, बहुत सुंदर भाव इसमें भरे हुए हैं। आज इस पाठ की हम चर्चा करेंगे और कल भावना है चर्चा करने की, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए बोलते हैं 2-2 लाइनें। हे नाथ मैं मिथ्यात्व वश संसार में फिरता रहा, एक जिनके पास में नहीं हूँ वे या तो मोबाइल में ले लें, फ़ोटो खींच ले लें, कुछ कम हैं अपने पास में पुस्तकें, पीछे इनको भी दे दीजिए, सिद्धार्थ जी को भी दे दीजिए। हे नाथ विनय पाठ, विनय भगवान के प्रति अत्यंत विनय की भावना, विनय नहीं होगी तो पूजा नहीं हो सकती। इसका मतलब पूजा करने के पहले विनय पाठ कंपलसरी है, माने आप विनय पाठ बोले बिना यदि पूजन करना चाहेंगे तो आपकी पूजन अधूरी है, ऐसा मान लो। आप जिनकी पूजन करने जा रहे हैं, जिनकी पूजन हमें करनी है, उनके प्रति अत्यंत विनय का भाव हमारे मन में होना ही चाहिए। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके ये भक्त खड़ा है और ये क्या कह रहा है, हे नाथ मैं संसार में फिरता रहा, कि क्यों फिरता रहा ये बता, बताओ आपको कारण क्या था। उसका कारण था मिथ्यात्व, मैं मिथ्यात्व के वशीभूत होकर संसार में परिभ्रमण करता रहा। संसार में परिभ्रमण का कारण मिथ्यात्व है, कोई ऊपरी बाहरी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारे को भटका सके। इसका मतलब संसार परिभ्रमण के कारण अपने में ही मौजूद हैं, न केवल संसार परिभ्रमण के कारण, संसार से मुक्त होने के कारण भी अपने पास में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये जीव अपनी भूल से जगत में भटका है और अपनी भूल सुधार कर ये मुक्त हो सकता है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हरिहर जी, इतना बड़ा प्लस पॉइंट है कि अपनी गलती से ये जीव दुखी हुआ संसार में भटका, और अपनी गलती से भटका है ना तो स्वयं अपनी गलती को सुधार करके मुक्त हो सकता है। यदि ऐसा हुआ होता दीपेश जी कि गलती मेरी नहीं है और किसी दूसरे की वजह से हो गया तो क्या प्रॉब्लम आती, मेरी गलती नहीं है, दूसरे की वजह से मैं संसार में भटक रहा हूं तो उसकी कृपा होगी तो संसार से मुक्त हो पाएगा। अब उसकी गलती नहीं है, उसने नहीं भटकाया है, उसने हमारे को बांधा नहीं है, मैं बंधा हूं अपनी मिथ्या मान्यता से। हे नाथ हे जिनेन्द्र देव मैं इस मिथ्यात्व के वशीभूत होकर संसार में फिरता रहा, बोधि का लाभ नहीं हुआ। बोधि माने होता है ज्ञान,
एक बोधि लाभ बिना अनंतो व्यर्थ भव धरता रहा। ओ अनंतो भव धारण किए, अनंत 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 अनगिनती जन्मों में अनगिनती कल्पों में न मालूम कितने भव जन्म मरण हमने धारण किए। एक इंद्रियों में दो इंद्रिय विकलत रहे, तीन इंद्रिय पंचेंद्रिय असैनी पंचेंद्रिय, कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर, कभी कछुआ हो गया, कभी मेंढक हो गया, कभी चिपकली हो गया, कभी कॉकरोच हो गया, कैसे कैसे भाव धारण, अनंत 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 भाव धारण किए। यह बात तो आप निश्चित मान करके चलिए, यदि आप पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं तो अकेले आत्मा के अनंतता की सिद्धि हो जाती है। सिर्फ एक बात के स्वीकार करने पर, आपने इतना सा स्वीकार किया ना कि ये जीव पिछले जन्म में कहीं से आया है और मैं सिद्ध कर सकता हूँ, मेरे पास सैकड़ों प्रमाण हैं इस तरह के, एक पूरी बुक अवेलेबल है मेरे पास में रिसर्च की हुई, जिसमें सिद्ध किया है, जिसमें बतलाया है कितनी घटनाएं ऐसी घटी है कि ये व्यक्ति 2-3 साल का था, बोलने लगा ये बालक, तो इसने अपनी परिचय पता नहीं कहाँ कहाँ का देने लगा और वहाँ जाकर के खोजा तो पता लगा पिछले जन्म में वहाँ था। 100-150 से ज़्यादा घटनाएं हैं मेरी किताब में, एक किताब है मेरे पास में। इसका मतलब ये जीव यहाँ नया उत्पन्न नहीं हुआ, पिछले भाव से आया है, तो वहाँ भी कहीं से आया होगा, फिर वहाँ भी कहीं से आया होगा, फिर वहाँ भी कहीं से आया होगा, कि ये सिलसिला कब से चला आ रहा है, अगर अनंत काल से चला आ रहा है, अनंत भाव धारण किए हैं। हे जिनेन्द्र देव, तुमको बिन जाने अनंत भाव धारण किए हैं, आज तुम्हारे चरणों की शरण में आया हूँ और मैं ये जानता हूँ कि जो तुम्हारे चरणों की शरण में आ गया अब उसके भाव नहीं होते, अब उसके भाव भाव का अभाव हो जाएगा। यह तो परम सत्य है कि हमने अतीत में अनंत काल बिताया है लेकिन भविष्य में अनंत भाव नहीं बिताएंगे, अब हमारे अनंत भाव नहीं है। भूतकाल में तो अनंत भाव थे, भूतकाल में तो अनंत काल बीता है हमारा, नरक में निगोद में आदि समस्त अवस्थाओं में समस्त पर्यायों में, और कैसे कैसे दुख उठाए हैं, यदि उन परिस्थितियों का वर्णन देखो आप तो आपको मिलेगा। छेड़ाला में सबने पढ़ा है, छेड़ाला की पहली डाल में उन परिस्थितियों का वर्णन इतना सुंदर कह रहे हैं, व्यर्थ में ही बिना ही मतलब भव धरता रहा, भव भव पछताता रहा, दुख उठाता रहा। अब कितनी परेशानियां हैं, यहाँ की परेशानियां कुछ कम है क्या हमारे हमारी लाइफ में, एक के बाद एक परेशानियां लगी रहती है। कि साहब देवगति में तो आनंद होगा, चक्रवर्ती तो बहुत मजे में होगा, ये नरक में है अनेकों चक्रवर्ती, वर्तमान के 12 चक्रवर्तियों में से 2 तो नरक में है अभी, और भूतकाल के न मालूम कितने चक्रवर्ती नरक में बैठे, कहाँ कहाँ के चक्रवर्ती, क्या करोगे आप? नारायण प्रतिनारायण नियम से नरकगामी होते हैं, कौन सा पद चाहिए आपको, ये पद तुम्हारा है नहीं। क्या क्या हुआ मिथ्यात्व के कारण, क्या क्या करता रहा देखो आप, क्या किया और क्या नहीं किया इसका थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं यहाँ। देव पूजा ना करी नहीं पात्र दान कभी दिया, जिन वैन भी न सुने कभी चारित्र भी नहीं रख सका। अतीत काल में आज तक कितनी बार की है पूजा, ये कह रहे देव पूजा नहीं करी, हम तो रोज करते हैं भाई साहब, आप कह रहे हो नहीं करी, लेकिन कितनी बार की आपने और कितनी बार नहीं की ये बतलाओ। अपने वर्तमान जीवन को देखो तो आपको लगेगा आधे से ज़्यादा काल अपनी लाइफ का बिना पूजन किए हुए निकल गया, क्यों साहब सही कह रहा हूँ ना, अपने जिंदगी का जितना काल बीता है उसमें आधे से ज़्यादा काल ऐसा बीता है जिसमें हमने पूजन नहीं करी। तो पूजन नहीं करी, मैं कह रहा हूँ जगत के जीवों को देखोगे तो आपको लगेगा दर्शन नहीं किए, दर्शन नहीं कर रहे हैं, भगवान के दर्शन नसीब नहीं हो रहे हैं उनको, जिनेंद्र देव के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलता है। सिद्धार्थ जी मुंबई से हैं, बोलो मुंबई में कितने लोग हैं जैन समाज के जो दर्शन करते होंगे, जैनियों की कमी नहीं है लेकिन कौन जाए दर्शन करने के लिए, दूरियाँ इतनी हैं, ट्रैफिक इतना है, किसके पास में फुर्सत है,
दस लक्षण में 10 दिन चले जाओ तो बहुत बड़ी बात है। और वो भी जिसका थोड़े से संस्कार हो ना कि भाई 10 दिन तो हमें करना है, दर्शन करते नहीं है। बोलो आप, कितने अनगिनती देश ऐसे हैं वर्तमान में जिन देशों में जिन मंदिर नहीं है। मैं बतलाया था अभी नैरोबी में एक मंदिर है, अफ्रीका के 53 कंट्रीज में एक जगह पर, सिर्फ केनिया नैरोबी के अंदर एक जैन मंदिर है, इसके अलावा 52 देशों में जैन मंदिर नहीं है। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक मंदिर नहीं है, इधर इधर नहीं है, क्या नाम है अपने साउथ अमेरिका में एक मंदिर नहीं है, यूरोप में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है एक आध मंदिर। माने कितने जैन ऐसे हैं जो सारे दुनिया में बसे हुए हैं, इधर उधर दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलता है। हमें दर्शन करने का अवसर मिल गया लेकिन पूजन, आज विनय पाठ बोलते हुए भगवान के सामने कह रहा है, हे भगवान मैंने आपकी पूजन नहीं करी, पात्र दान कभी न दिया, न कभी मैंने नहीं पात्र दान कभी दिया, सुपात्रों को दान नहीं दिया मैंने, अपात्र को दान दिया, कुपात्र को दान दिया, और कुपात्र दान के फल में वो भूमि में चला गया। यश प्रतिष्ठा जैसे मिली उस प्रकार मैंने दान दिया, ऐसी जगह पर मैंने दान दिया जहां मेरा नाम हो, जहां मेरे गले में माला डाली जाए, जहां मुझे मान सम्मान यश प्रतिष्ठा मिले, ऐसी जगह पर मैंने दान दिया, जहां बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिखा जाए, जहां पोस्टरों में मेरी फोटो छापी जाए, ऐसी जगह पर मैंने दान दिया, पात्रों को तो दान दिया नहीं। अब कुपात्र दान के फल में ऐसी जगह पर चले जाता है, लवण और कालो नदी समुद्र के ऐसे एरिया में जाकर के जन्म ले लेता है जहां पर शरीर तो होता है मनुष्य जैसा और चेहरा होता है हाथी का, बंदर का, गधे का, घोड़े का, शेर का, उल्लू जैसा चेहरा, पूंछ वाले मनुष्य, कान इतने लंबे लंबे कि उन्हीं कान को बिछा ले वे और एक कान को बिछा करके सोए और दूसरे कान को ओढ़ ले वे कुबो भूमि में, तो बहुत अच्छा लगता होगा। अरे घसीटते हुए चलते हैं कान क्या, दोनों हाथ तो दोनों कान को पकड़ करके चलने में चल जाते हैं, अब क्या काम करें, वहां खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, मिट्टी खाते हैं, सूखी घास खाते हैं, कदाचित कंदमूल आदि किसी को खाने को मिले तो मिले, कैसी दुर्दशा है उनकी। किन की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने योग्य जीवों को दान नहीं दिया, पात्र दान नहीं दिया। कौन है पात्र जीव? उत्तम पात्र जीवों में दिखाई देते हैं हमारे संत, हमारे मुनिराज भावलिंगी संत, वीतरागी दिगंबर संत के उत्तम पात्र हैं। मध्यम और जघन्य पात्रों में यदि आप देखो तो फिर आपको मिलेंगे प्रतिमाधारी श्रावक हों, कोई ज्ञानी हों, ऐसे ज्ञानी पुरुषों को दिया गया दान वो पात्र दान है। दान का अर्थ आहार दान भी हो सकता है, कुछ ज्ञान दान का भी हो सकता है। ज्ञान दान का अर्थ ऐसा नहीं कि साहब हम उनको क्या क्या ज्ञान दान देंगे, वो हमसे बड़े वो ज़्यादा समझदार, कि नहीं, ज्ञान आराधना के लिए दिया गया ग्रंथ भी ज्ञान दान है, शास्त्र दान है। कि साहब हम कैसे दे पाएंगे ज्ञान दान, तो वो देंगे, हम ज्ञान दान तो नहीं दे सकते ना राजन जी, दे सकते हैं आप। आपके पास यदि स्वयं में पढ़ने की सामर्थ्य नहीं है तो आप ऐसे ग्रंथों को किसी पढ़ने वाले योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं और उसके फल में आचार्य कुंद कुंद जैसे महापुरुष हो गए, कौंडेश से कुंद कुंद। आपको पता है साध्य, कुंद कुंदाचार्य जो थे ये पिछले जन्म में ग्वाले थे, जंगल में आग लग रही थी, चारों तरफ जंगल जल रहा था और एक पेड़ उस जलते हुए जंगल के बीच में हरा भरा दिखाई दे रहा था। बोले ये क्या चक्कर है, यहाँ आग क्यों नहीं है? और पास में जाकर के उसने देखा तो उस पेड़ की एक कूटर में वहाँ एक ग्रंथ रखा हुआ था, वो ले आया वो वाला। ओहो ये महान शास्त्र है, मैं तो पढ़ना लिखना जानता नहीं हूं लेकिन किसी पढ़ने वाले को दूंगा। और उसने वो ग्रंथ एक मुनिराज को भेंट किया और वो जो ग्रंथ भेंट किया ना उसने, उस दान के फल में वो ग्वाला भविष्य में मरकर वो उसने यहाँ भारत क्षेत्र में जब जन्म लिया तो आचार्य कुंद कुंद के रूप में वो प्रसिद्ध हुआ, एक एक ग्रंथ दान के फल में। मैंने ऐसे काम किए नहीं आज तक कभी,
जिन मंदिर नहीं बनवाए, जिन मंदिर के जीर्णोद्धार नहीं करवाया, जिन प्रतिमाएं विराजमान नहीं करी, ऐसे आयोजन नहीं किए, जिन धर्म प्रभावना के लिए मैंने अपना समय नहीं दिया, और कदाचित ये सब किया हो। अब सुनना आगे क्या कह रहे हैं। दर्शन भी खूब किए, पूजा भी खूब की, तीर्थ क्षेत्रों की वंदनाएं भी बहुत की और दान भी बहुत दिया, लेकिन जिन वैन भी न सुने कभी चारित्र भी नहीं रख सका। ओ क्या कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के वचन नहीं सुने, पूजा की भक्ति की और पूजा और भक्ति के माध्यम से जिनेंद्र देव को खूब सुनाया, रोज सुनाया जो जो मैं जानता था, हे भगवान ऐसा हो गया, हे भगवान ऐसा हो गया, और पूजा पढ़ ली, पाठ पढ़ लिया, स्तुति पढ़ ली और भगवान को सुनाता रहा। भगवान की सुनी के नहीं, सुनाने में तो हमने भगवान तक को पीछे नहीं छोड़ा, खूब सुनाया हमने उनको, हे भगवान अन्य यशों को पार लगा दिया, मैं आपका भक्त हूं, मुझे नहीं लगाओगे, प्रभु अपनो विरद निहारो, खूब सुनाया हमने भगवान को। ये कह रहे हैं भैया सुन, भगवान को सुनाने से काम नहीं चलेगा, भगवान की सुनने से काम चलेगा। जिन वैन, वैन मतलब वचन, जिनेंद्र भगवान के वचन कभी नहीं सुने, जिनवाणी कभी नहीं सुनी, ये वितरागी तत्व ज्ञान की चर्चा कान में सुनना महान दुर्लभ है, सुनने को नहीं मिलती लोगों को। जयपुर में लाखों दिगंबर जैन है, लाखों बोलो, 2-3 लाख से ज्यादा दिगंबर जैन होंगे यहाँ, कितने लोग ये जनवाणी की चर्चा सुनते हैं, 1% की बात करो ना भाई साहब, 1% की, तो 1% में 2-4 हजार लोग होते हैं, 1% में 2-4 हजार लोग सुनते हैं जयपुर में, 1% भी नहीं, उंगलियों पे गिन लो आप इतने लोग हैं पूरे जयपुर में जो जनवाणी की चर्चा सुनते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा रस लेते हैं। मैंने कभी नहीं सुना, कितना काल मेरा ऐसे ही निकल गया, और कदाचित सुन भी लिया तो चारित्र भी नहीं रख सका, तो चारित्र अंगीकार नहीं किया, संयम अंगीकार नहीं किया। सुन तो ली मैंने बात, और सुन करके हाँ कर लिया, और इस कान से सुना और सामने वाले कान से निकाल लिया, लेकिन लाइफ जो बदलनी चाहिए, जैन दर्शन किसका नाम है जो लाइफ को आमूल चूल परिवर्तित कर देते, जीवन बदल जाए, सोच बदल जाती है, देखने का नजरिया बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, खान पीन बदल जाता है, जैनत्व जिसके जीवन में प्रवेश करता है, आज तक कभी ये नहीं किया। देखो आगे क्या कह रहे हैं, है निर्विकल्प स्वभाव से दरु एक केवल आत्मा, भूल कर उसी को सलाम करे काला। क्या चक्कर क्या हो गया है, आगे क्यों भटकते रहे, पीछे कहा अनंत भाव धरता रहा, मिथ्यात्म के वशीभूत होकर के क्यों भटक रहा है भैया, कारण क्या है, भूल गया रास्ता, भूल गया इसलिए भटक रहे हैं। दुनिया में जितने भटकने वाले लोग दिखाई देते हैं, उन सब के भटकने के पीछे एक ही कारण होता है, रास्ता भूल गए, रास्ता भूल गए भाई साहब, पता नहीं है। तो क्या रास्ता भूल गए, कि अपना जो स्वभाव है ना वो निर्विकल्प स्वभाव है, सिद्ध है, है निर्विकल्प स्वभाव सिद्ध। यहां सिद्ध सिद्ध भगवान के लिए नहीं कह रहे हैं भैया, क्या सात्विक, ये जो सिद्ध कह रहे हैं ये सिद्ध भगवान के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सिद्ध है कि मेरा स्वभाव निर्विकल्प है, ये आत्म तत्व जो इस देह देवालय में बैठा हुआ है ये स्वयं सिद्ध है, ये निर्विकल्प है। क्या कैसा स्वभाव है, कैसा स्वरूप है, स्वभाव दृष्टि से देखो भैया, पर्याय दृष्टि से नहीं, पर्याय दृष्टि से देखने पर विविधता दिखाई देगी और स्वभाव दृष्टि से देखने पर एक रूपता दिखाई देगी, है निर्विकल्प। विकल्प का ऑपोजिट होता है निर्विकल्प, विकल्प उठने वाली तरंगे जिसमें राग द्वेष है, जिसमें अनेक प्रकार के संकल्प है, जिसमें अनेक प्रकार की उलझने हैं, जिसमें आकुलता है, वो सब विकल्प स्वरूप है। ये कह रहे हैं विकल्प जहाँ उठते हैं वो अवस्थाएं हैं, वो पर्याय हैं, और मेरा जो स्वरूप है ये स्वरूप है निर्विकल्प, स्वरूप में विकल्प नहीं है।
अद्भुत स्वरूप है मेरा, सिद्ध है ये स्वरूप। ये साहब ऐसा स्वरूप तो सिद्ध भगवान का होगा, ऐसा स्वरूप तो अरंतों का होगा, ऐसा स्वरूप तो मनिराजों का होगा, ऐसा स्वरूप तो ज्ञानियों का होता होगा, कि नहीं मेरा मेरा स्वरूप है ऐसा। मम स्वरूप है सिद्ध समान। 5-7 दिन पहले ली थी हमने पंक्तियां, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, वर्णी जी ने लिखा उसमें, मम स्वरूप है सिद्ध समान। ये स्वभाव से सिद्ध कह रहे हैं, सिद्ध रूप एक केवल आत्मा। मैं तो एक आत्मा हूं, उसको तो भूल गया। और फिर क्या कहता है, कभी राम कहता है अपने आप को, कभी श्याम कहता है, कभी महावीर कहता है, अलग अलग नाम देता है। कभी कहता है मैं तो ये हूँ, कभी कहता है मैं पुरुष हूँ, कभी कहता है मैं बालक हूँ, कभी कहता है मैं तो जवान हो गया है, कभी कहता है नहीं नहीं बुढ़ापा आ गया है मेरा तो, कभी अपने आप को बिजनेसमैन कहता है, कभी अपने आप को सर्विस वाला कहता है, कभी अपने आप को गोरा काला कहने लगता है, कभी कहता है मेरा वजन बढ़ गया है, कभी कहता है मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, कभी कहता है मैं बहुत काला हो गया हूँ, इसको कुछ ठिकाना ही नहीं। टोडरमल जी कहते हैं बावलों जैसे बातें बनाता है, कुछ होश ही नहीं, कभी क्या कहता है कभी क्या कहता है, इसको कुछ ठिकाना ही नहीं है कि मैं हूँ कौन। ये कह रहे हैं मैं एक केवल आत्मा हूँ, उसे भूलकर न मालूम मैं अपने आप के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट देता रहा। सच सच बतलाना, आपने अपने आप के बारे में आज तक क्या क्या स्टेटमेंट नहीं दिए, कितनी बातें कही है मैंने, क्या आपने ऐसे वचन नहीं कहे, मैं तो लंबा हो गया, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं थोड़ा सा उसकी तुलना में तो कमज़ोर हूँ मैं। अब याद रखना आप कमज़ोर हो ना, अब थोड़े दिन बाद में कहता है कि नहीं नहीं यार मैं तो बहुत बुद्धिमान, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, तो इंटेलिजेंट है कि कमज़ोर है, गोरा काला मोटा पतला बिजनेसमैन ना मालूम क्या क्या कहता रहता है भूल कर। इतने शीशे देखे मैंने, असली चेहरा भूल गया। अपने उनका वचन है डंडिया जी का, कितने शीशे देखे असली चेहरा भूल गया। कभी हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली, अभी मनुष्यों की बात क्यों करें, त्रियंच बनकर के भी तो कितने भाव धारण किए थे, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली घोड़ा बकरी बना था ना। ये कह रहे भूल कर उसको, किसको, एक आत्मा जो मेरा शुद्ध स्वभाव है उसको भूल कर मैं टक्करे खाता रहा, इधर उधर भटकता रहा, कभी कहीं और कभी कहीं। बोलो क्यों भटक रहा है, अपने आप को भूल कर। भूल आपको भरमत वाली, छेड़ाला की पंक्तियाँ, चारों गतियों में क्यों भटका है ये जीव, चतुर्गति में परिभ्रमण क्यों किया है, कौन ले जाता है इसको नरक में, कौन ले जाता है त्रियंज में, निगोद में कौन ले गया है, स्थावरों में कैसे जाकर के जन्म लिया है, अपने स्वरूप को भूल कर। ले जाने वाला कोई नहीं है, तूने अपने स्वरूप को नहीं जाना है इसलिए भूल करके जगत में भटक रहा है। भूल आपको, ये सबसे बड़ी समस्या है, अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को भूल गया। क्या जिसकी दृष्टि द्रव्य पर नहीं है, स्वभाव पर नहीं है, क्या होगा उसका। दृष्टि का निदान किताब है उनके दादाजी की, दृष्टि का निदान है द्रव्य दृष्टि प्रकाश, निहाल भाई सोहानी जी की, सोहानी जी के सुपौत्र हैं। द्रव्य दृष्टि प्रकाश, ये द्रव्य दृष्टि का प्रकाश है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। द्रव्य दृष्टि, द्रव्य पर तो सबकी दृष्टि है आपकी, क्यों भैया, रोजाना द्रव्य पे दृष्टि रहती है ना, आज कलेक्शन कितना हुआ यार, ये महीना तो ऐसे ही निकल गया, गर्मी बहुत है, क्यों भाई थोड़ा सा मंदा चल रहा है काम, वो द्रव्य नहीं। अरे द्रव्य किसे कहते हैं इसकी खबर नहीं है भैया, छह द्रव्य हैं इस दुनिया में, उन छह द्रव्यों में से मैं भी एक द्रव्य हूँ, ये आत्मा एक द्रव्य है, मैं हूँ जीव तत्व, जीव द्रव्य, इस देह के वाले में विराजमान एक आत्म तत्व भगवान आत्मा, अनंत गुणों का अखंड पिंड ज्ञाय प्रभु, ये परमात्मा अंदर जो बैठा है उसको भूल कर, अपने परमात्मा स्वरूप को भूल कर, मैं स्वयं भगवान हूँ, हूँ परमात्मा छूँ, इस बात को भूल कर टक्करें खाता रहा, भटक रहा है, धक्के खा रहा है इधर उधर, कहाँ कहाँ पे, कभी फ्लाइट में, कभी ट्रेन में, कभी बसों में, ट्रैफिक में फंसे हैं साहब, कौन से ट्रैफिक में फंसे हो,
ये चतुर्गति की ट्रैफिक में भूल कर उसको सदा मैं टक्करें खाता रहा। और क्या कह रहे हैं, हस्ती मजा चांद से निर्मित अतिर संसार में ब्रह्मतारा नहीं शरण कोई पा सका। अस्थि हड्डियां, मज्जा और चांद ये ऊपर की चमड़ी, इससे निर्मित अस्थिर क्षणभंगुर जम किंची भी उत्पन्नम तस्य विनाशो हवेनेमेण, जो कुछ उत्पन्न होता है सब विनाश होता हुआ दिखाई देता है, सब अस्थिर है, सब क्षणभंगुर है, सब नाशवान है। ये संसार किससे बना है? ये संसार हमारा संसार कितना है? ये संसार किसको कह रहे हैं? ये संसार सारी दुनिया, इसका नाम संसार नहीं कह रहे राजन जी। ये कह रहे हैं अस्थि मज्जा चाम से निर्मित अस्थिर ये जो दिखाई दे रहा है ये मेरा संसार है। आपकी दुनिया कितनी बड़ी है बताओ? अपनी दुनिया तो इतनी है, इससे आगे सोचता कहाँ है? भले इसको बाहरी दुनिया दुनिया दिखाई देवे लेकिन सच में, और कभी कभी तो कहता भी है, मेरी दुनिया तो इतनी सी ही है बस, तुम और ये पत्नी और बच्चे हैं। क्यों साहब, कितनी कितनी बड़ी दुनिया है? लक्ष्मी चंद साहब आपकी दुनिया कितनी बड़ी है? बस हम दो, क्यों दीपेश जी, छोटी सी दुनिया है अपनी, इतनी सी दुनिया। देखो सारी दुनिया को छोड़कर अपने परिवार को दुनिया कहने लगा, लेकिन परिवार से भी जब झगड़ा होता है, जब विवाद होता है तो फिर वो भी कुछ अपना नहीं दिखता है, फिर लगता है अपनी दुनिया तो अपनी ही है, क्या वो अलग ही दुनिया है, फिर देह मात्र दुनिया दिखाई देने लगती है। ये कह रहे हैं इस संसार में रमता रहा, इस देह के प्रति एकत्व बुद्धि करके भ्रमता रहा। अस्थि मज्जा चाम से निर्मित अस्थिर इस संसार में, इस देह में रमता रहा। युगली बाबू जी की पंक्ति है ना, जिसके श्रृंगारों में मेरा मेरा जीवन भूल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का रमता रहा, माने लीन रहा, इस देह में ही तल्लीन रहा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर 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 शरीर, हमने एक भावना 32 ही पढ़ी थी, अमित गति आचार्य का सामायिक पाठ पढ़ा था अपन ने, उसमें लाइनें थी कुछ, शरीर से यदि एकत्व बुद्धि टूट गई तो फिर परिवार से और संयोगों से एकत्व बुद्धि नहीं हो सकती है। तन से जिसका एक के नहीं हो सुतती है मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। ये वही बात कह रहे हैं यहाँ, तो किस में रम रहा है? शरीर में रम रहा है। सुबह उठने से नहाना धोना एक्सरसाइज करना घूमना मॉर्निंग वॉक पर जाना और बाबा रामदेव को सुनना है, उनके निर्देशन में चलना, ये सब क्या चलता रहता है? सुबह से प्राणायाम करता है, फिर कपालभाति करता है, नहाता धोता है, तैयार होता है और फिर आईने के सामने खड़ा होकर के घंटों बिता देता है। जब जब आईने के सामने से निकलता है तो शक्ल देखता है अपनी, मैं कैसा लग रहा हूँ? सुन भैया, वर्क सोने का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर, ऊपर से जो चमकदार काया दिखाई दे रही है अंदर इसके हाल इतने खराब हैं कि यदि आंखों से देखने का अवसर मिले तो तू देखना पसंद नहीं करे। अंदर से निकला हुआ कोई पदार्थ निगाह के सामने आता है तो ये देखना पसंद नहीं करता उसे, लेकिन उसमें रम रहा है। ऐसी अशुचि तन में शरण कोई पा सका, न शरण कोई पा सका, आज तक कोई शरण मुझे नहीं मिली। ये बात तो हुई अतीत काल की, यहाँ तक जो वर्णन किया है आधे विनय पाठ में, ये वर्णन किया पास्ट का, आज तक क्या क्या हुआ, आज तक क्या क्या किया, अब क्या हो गया, अब आज से अब दिन बदल गए, अब वैसे दिन नहीं है, शुरू करो। देखो
आपको पता है कब लगता है? जब लॉटरी लग जाए ना तब लगता है आज तो पुण्य का हो जाए। क्या गजब का पुण्य का हो जाए, कोई कहीं दिल्ली फाइनल हो जाए ना आपकी तो लगता है यार आज तो क्या गजब पुण्य का हो जाए आया मेरा, ऐसी पार्टी फंस गई, फंसा रहे थे आप। ये पुण्य का होता है समझता है उन सब चीजों में। ये कह रहे हैं भाई साहब जिनेन्द्र देव के दर्शन मिले ये महान पुण्य का उदय है। वे बाकी चाली है वे जीव जिन्हें जिनेन्द्र देव के दर्शन मिले हैं, जिन्हें जिनवाणी मिली है, जिन्हें जिनवाणी सुनने का अवसर मिल गया है, वे अभागे नहीं हो सकते हैं। कल कहा मैंने वहां ध्रोणगिरी में भी बात कही थी, मैंने कहा कभी अभागा मत समझना अपने आप को किसी भी प्रसंग में, इसे छोटी छोटी बातों में कैसे कहने लगता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, अपनी तो किस्मत ही खराब है, अपने लिए अपन कहाँ फंस गए, अपनी तो किस्मत ही खराब है, जिसको देते हैं पैसे वही ले लेके भागते हैं भाग जाता है, अपनी तो किस्मत ही खराब है, बात बात में इसको किस्मत खराब दिखने लगती है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, बड़े मुश्किल से तो दूध मिला था और ये भी उफन गया, अरे लो तेरे को इसमें किस्मत खराब दिखाई दे रही है, नीचे उतरे और चप्पल नहीं मिली, अरे यार 3 दिन पहले तो गई थी आज फिर चले गई, हमारी तो किस्मत, ये 10-10, 5-5 रुपए में तुम्हारी किस्मत खराब हो रही है, 2-500 रुपए के अंदर किस्मत खराब हो गई तुम्हारी, इसमें हमें भाग्य देखने लगता है। सुनो ये जगत में महान महान प्रतिकूलताएं भी आ जाए, सारा बिजनेस चला जाए, लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाए, सारी संपत्ति चले जाए, घर से निकाल दिया जाए, लेकिन यदि जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है तो हम कह रहे हैं तू भाग्यशाली। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, ये भाग्यशाली है हम, ये भाग्यशाली होने का सबूत है। ये माँ है भाई साहब, माँ का वृद्ध हस्त जिसके माथे पर हो वो अभागा कैसे हो सकता है? अभागे तो वो हैं जिन्हें माँ नहीं मिले, अभागे तो वो हैं जो माँ को संभालते नहीं है, अभागे तो वे हैं जिन्हें माँ की परवाह नहीं है। जिसके ऊपर माँ का साया हो उसे कौन तकलीफ दे सकता है, उसके ऊपर कैसे संकट आ सकते हैं? बड़े से बड़े संकट, बालक के ऊपर कितना भी बड़ा से बड़ा संकट आ जाए लेकिन माँ है ना साथ में तो डरता भी नहीं है। देखो आप क्या डर नहीं लगता है क्या? इधर से आया और आपकी मुझे खींच के चला जाए, बोले 2 साल का बच्चा भी, आप आंखें दिखाओ ना कहते मम्मी है मेरी। छोटे छोटे से बच्चे डरते नहीं है किसी से, किसी के बाप से नहीं डरे क्या? आप करो तो फटाफट छुप जाएगा, मम्मी की गोद में जाकर के बैठ जाएगा। माने हम ये कह रहे हैं आपके पास जनवाणी माँ है भाई साहब, जनवाणी माँ का हाथ हमारे मस्तक पर है, बहुत भाग्यशाली हैं हम, आज महान पुण्य जागृत हुआ है जिनेन्द्र देव, जो आपके चरणों की शरण मिल गई है, आपका दर्शन मुझे मिल गया है। पता है आपका दर्शन मिलते ही क्या हुआ? पाई जैसे ही आपकी शरण, आलोक माने प्रकाश रोशनी सहसा अचानक ही हृदय पर छा गया, माने पूरा अंतरंग प्रकाशित हो गया, ज्ञान से हृदय प्रकाशित हो गया है, मेरा अंतरंग प्रकाशित हो गया है। और इतना ही नहीं, जैसे ही आपके दर्शन हुए मेरा मन मयूर नाचने लगा, नाचने गाने ये नाद सा आने लगा, मजा आ रहा है, झूम रहे हैं, आह्लाद आ रहा है। कुछ अन्य मुझको नहीं शरण, अब मुझे किसी और की परवाह नहीं। हे जिनेन्द्र देव आप यदि मिल गए, क्या दर्शन पाठ दर्शन स्तुति के अंदर लिखते हैं, हे जिनेन्द्र देव यदि आप मिल गए तुम्हें छोड़ करके, नहीं चाहता जैन धर्म बिना मैं चक्रवर्ती होना। चक्रवर्ती पद भी यदि कोई मेरे को देवे और कहे सुनो चक्रवर्ती पद मिलेगा लेकिन दर्शन नहीं मिलेंगे, नहीं चाहिए मेरे को। बोले यहाँ दर्शन तो मिलेंगे लेकिन झोपड़ी में रहना पड़ेगा, तो तैयार हूँ मेरे लिए के लिए। है इतनी हिम्मत आपने? बोलो हृदय इतना प्रफुल्लित होता है जिनेन्द्र देव की प्रतिमा को देख कर कि चेहरा लटका करके भगवान के दर्शन करते मुरझाया रहता है जिनेन्द्र। बहुत सारे लोग तो भगवान के दर्शन भी आंख बंद करके करते हैं,
भगवान के दर्शन की बात कर रहा हूं मैं क्या। जिनेंद्र देव के दर्शन तो आप खोल के करो भाई, जिनेंद्र देव के दर्शन तो ऐसे करो कि दृष्ट्वा भवंत मनिमेश विलोकनीयम, नेत्रों की पलके भी नहीं झपके। हे जिनेंद्र देव, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, ये भाग्यशाली होने का सबूत है, अब शरण मिलिए मेरे। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का मान हुआ। तुमको देखकर, देखा तुम्हें, दिख रहा है अपना स्वरूप। दृष्टि पड़ रही है तुम्हारे ऊपर और दिख रहा है अपना ज्ञायक, तो दर्पण है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, यह अंतर में प्रकाश हो गया। नाचने गाने लगा यह नाद सा आने लगा, अन्य कोई शरण नहीं है, एक परमात्मा ही शरण है। और क्या कह रहे हैं, काल लब्धि होता है तो पांच समवायों पूर्वक होता है। स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनहार और काल लब्धि। काल लब्धि का मतलब है समय आ गया है। काल लब्धि का मतलब ये है अब काम होने का टाइम पीरियड आ गया है, अब काल लब्धि जागृत हो गई है, भगवान बनने का समय नजदीक आ गया है, संसार समुद्र से पार होने का किनारा नजदीक आ गया है, शांति का मार्ग मुझे मिल गया है। हे जिनेंद्र देव, आप मिले तो शांति मिल गई, आप मिल गए तो भरोसा हो गया, आप मिल गए तो विश्वास हो गया, आज निश्चय निश्चय हो गया। निश्चय नए नहीं, निश्चय व्यवहार नए की बात नहीं है, निश्चय माने विश्वास। ये दृढ़ विश्वास हो गया है मुझे कि आज मैं अपने जीवन की कला प्राप्त करूँगा, पाऊँगा जीवन की कला। क्या कला है वैसा जीवन की कला? आपने दर्शन किए थे ना, दर्शन करके तो बैठे हैं ना, तो आपको तो मिल गई होगी वो कला। क्या भगवान को देख करके वो कला नहीं मिली? ये जीने की कला भगवान से मिलती है। उनको देखता हूँ तो पता लगता है, उनकी नासागर दृष्टि को देखता हूँ तो पता लगता है किसी और की तरफ देखना नहीं, ये भगवान बनने की विधि है। हाथ पे हाथ धर करके बैठे हुए जब भगवान की मुद्रा को देखता हूँ तो मुझे लगता है कुछ करते ही नहीं है। हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ न रहा जैसे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमारे भगवान, भक्तों का भला तो करते होंगे। देखिए जी, आपको तो खूब आशीर्वाद मिला है भगवान का, हैं? मिलता है? अरे साहब, अपने ऊपर तो क्यों ढोलिया जी साहब, भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर तो पूरा पूरा, हैं? सबका है ना आशीर्वाद, आशीर्वाद देते हैं भगवान आपको, हाथ भी नहीं उठाते। अरे नासागर दृष्टि है, वे जिनेंद्र देव तीन लोक के नाथ वीतरागी परमात्मा, वे सर्वज्ञ परमात्मा, किसी की ओर देखते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसका मतलब समझ गए आप? वो भी कुछ नहीं करते तो फिर हम क्या कर सकते? अरे साहब, जब वो ही कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ? किसी ऑफिस में किसी कर्मचारी को हमने कोई काम बतलाया तो उसने कहा, सुनो भाई, ये तो हमारे अधिकारी भी नहीं कर सकते, आप मुझे कह रहे हो, जब वो ही नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे ही हम कह रहे हैं, जब तुम्हारे भगवान भी कुछ नहीं कर सकते तुम क्या कर सकते हो? अकर्तावाद निकलता है, भगवान को देखने से अकर्तावाद सिद्ध होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये समझ लेना जीवन की कला है। शरीर पर मेरी चलती नहीं है, पर द्रव्यों पर मेरी चलती नहीं है, संयोग मेरे हिसाब से बदलते नहीं है, ये समझ लेने का नाम है जीवन की कला सीख ली आपने। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैसे शांत भाव से रहे, ये जीवन जीने की कलाएं। आपकी सौम्य और शांत मुद्रा को देख करके मुझे पता लगता है बहुमूल्य जगत का वैभव यह हमको सुखी नहीं कर सकता। आपको देख करके पता लग रहा है आपने सब छोड़ दिया है, ये जीवन जीने की कला मिल गई हमारे को। आज तक क्या हो रहा था? भाग रहा था मैं,
दौड़ रहा था इधर उधर, और भागते दौड़ते फिर क्या होता था, फिर घुटने जवाब दे देते थे, फिर कहते अब नहीं चला जाता है, अब तो बहुत हो गया, बस अब नहीं होता है, अब थकान लगने लग गई है। जिनेंद्र देव मिल गए, निश्चित हो गया है, शांति का मार्ग मिल गया है। शांति का मार्ग कहीं बाहर में नहीं है, वो मार्ग तो अंदर में है, इसलिए बाहर से देखना बंद करो और अंदर में देखो। जब ये निर्णय हो जाएगा तो जीवन की सार्थकता होगी। हो गया ना, काल अवधि माने समय, जागृत हो गई। शांति पथ, एक अपने जयपुर में शांति पथ है बिरला मंदिर के पास, क्या मिल गया तुम्हारे को? शांति पथ पर तो कई बार चले, और एक है शांति पथ प्रदर्शक, पंडित जी का ग्रंथ, शांति पथ प्रदर्शक, वो शांति पथ प्रदर्शक है। और एक यहां विराजमान है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये शांति के मार्ग है भाई साहब, मुक्ति के मार्ग में ही शांति है, सारे जगत में अशांति है और अपने घर में शांति। अरे नहीं नहीं पंडित जी, आपको पता नहीं हमारे घर में कितनी अशांति है, तुम पहचान ही नहीं तुमने अपने घर को, क्या अपने घर में शांति है और घर से बाहर निकलो तो अशांति है। चालू होने वाला है सिलसिला परसों से, कल से चालू हो जाएगा, घर से बाहर निकले और फिर बस यहाँ पैकिंग करो, वहाँ खोलो, फिर पैक करो, फिर खोलो, फिर बोरिया बिस्तर बंद करो, फिर दूसरी जगह जाकर के खोलो, यही काम है। क्या लोगों को लगता है मजे कर रहे हो यार, आप तुम घूमते हो, चलो हमारे साथ, कितना मजा आता है। शांति का मार्ग बाहर में नहीं है, बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। बाहर के संसार में सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं है, तेरे शांति का सागर तेरे अंदर है। ये शांति सागर महाराज नहीं, क्या ये बाहर नहीं, ये अंदर सागर बैठा हुआ है, शांति सागर। ये मार्ग मिलेगा, अंदर में मिलेगा ये। मुक्ति में यदि शांति है तो मुक्ति का दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है। देखो आज क्या हो जाएगा, ये सब मिल गया तो क्या होने वाला है। आज जग के विक्षिप्त सर, सर माने होते हैं सरोवर, क्या विक्षिप्त माने हाल बेहाल थे उसके। विक्षिप्त शब्द का अर्थ तो होता है, वैसे मनुष्यों के अर्थ में लगाए तो कहते हैं पागल। विक्षिप्त सर माने ऐसा सरोवर जिसमें पानी नहीं था, जो सूखा पड़ा था, जहां घास फूस उग गई थी, ऐसे सरोवर में भी आज मानो पानी से तराबर हो जाएगा वो और कमल खिल जाएगा। कब? जगत के कीट को भी। हम हैं कौन हे भगवान, सच कहूं आपके सामने अपनी हकीकत बतला रहा हूं, गंदे शब्दों में कहें तो ऐसा कहते हैं अपनी औकात बता रहा हूं। क्या है? मच्छर जैसा हूं, कीट माने होता है मच्छर। हूं कौन भाई साहब, हे भगवान हूं कौन मैं? मच्छर जैसा तू है कौन? लोग कहते हैं ऐसा, मच्छर जैसा है हमारे सामने। हम कह रहे हैं अपने आप को भगवान के सामने, हे भगवान मैं कीट जैसा हूं, मैं आपके सामने कीट पतंगे जैसा हूं। आज जग के कीट को भी, ये मच्छर जैसे साधारण से व्यक्ति को भी जिनेंद्र पद मिल जाएगा, भगवान जैसा पद मिल जाएगा। ये निश्चय, आज निश्चय हो गया कि मुझे जिनेंद्र पद मिल जाएगा, क्योंकि जिनेंद्र पद प्राप्त करने का मार्ग बताने वाले मुझे मिल गए हैं। तुम मिले शांति स्वरूप, शांति सुकरण समरथ जगपति, आप शांति करने वाले ऐसे जिनेंद्र देव मुझे मिल गए, अब मुझे भरोसा हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे किसी और की परवाह नहीं है, ये मिल गए इसका मतलब अब मंजिल तक पहुंच जाऊंगा मैं। कहां तक पहुंचोगे कि मेरी मंजिल तो वो है जिनेंद्र बनना है। आज जग के कीट को भी जिनेंद्र पद मिल जाएगा, आज
से इस विक्षिप्त स्वर में भी कमल खिल जाएगा। ऐसे जिनेंद्र देव के प्रति अत्यंत महिमा विनय पूर्वक जब यहाँ व्यक्त की गई तो आप निश्चित मान करके चलिए कि अब आगे पूजन करना सार्थक हो जाएगा। माने पूजन करने के पहले बोला जाने वाला ये विनय पाठ जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को भी बतलाया, अपनी भूलों को भी बतलाया, और आज जिनेंद्र देव के मिल जाने पर हृदय में हुई अपार शांति की चर्चा भी की, पास्ट भी बतलाया, आज क्या हुआ है वो भी बतलाया, और क्या हो जाएगा, जिनेंद्र पद मिल जाएगा वो भी यहाँ इन्होंने बतलाया। इस तरह से भूतकाल को मिटाकर वर्तमान को सुधार कर और भविष्य में परमात्मा बनने की अपनी जिज्ञासा और भावना को यहाँ सुंदर शब्दों में व्यक्त किया गया है। अब वास्तव में परमात्मा कैसे बना जाता है और अपना वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा कल अपन मैं ज्ञानानंद स्वामी के माध्यम से करेंगे। रोजाना हम लोग बोलते हैं, कल उसके अर्थ की चर्चा करेंगे।